नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कुछ कक्षाएं लगानी शुरू की थी और पिछले सत्र में उसी के तहत हमने नदी के द्वीप कविता पर बात की थी। आज के सत्र में हम उनकी इकाई कौन सी है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य की जो कविताएं हैं उन पर हम आज से बात करना शुरू करेंगे। और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है पद्म भूषण से सम्मानित कवि माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें इनकी कृति हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हिम किरीटिनी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये एक भारतीय आत्मा के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिनकी जानकारी माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में आपको होनी चाहिए। तो आज के सत्र में दोस्तों, जो कि आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, तीन कविताओं पर हम बात करने वाले हैं, कैदी और कोकिला, बलिपंथी से और पुष्प की अभिलाषा। दूसरी और तीसरी कविता बहुत छोटी है, संक्षिप्त है, लेकिन थोड़ा सा समय अगर लगेगा तो कैदी और कोकिला में ही लगेगा। और पुष्प की अभिलाषा तो एक इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध कृति है कि बच्चा बचपन से ही उसे अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ता चला आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम एक बार परीक्षा की दृष्टि से इन कविताओं पर, चाहे ये सरल ही क्यों ना हो, नजर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले शुरू करते हैं कैदी और कोकिला कविता। कैदी और कोकिला कविता दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, क्योंकि ज्यादातर जो कवि थे उन जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम भी उल्लेखनीय है, ये ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं के गायक उद्घोषक कवि थे जिन्होंने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे जेल भी गए, जेल की यातनाएं भी सही, आंदोलन भी किए और आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। ऐसे ही कवियों में से माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो एक बार जब वे कैद में थे, कारावास में थे, तो रात्रि के समय और बहुत सारी यातनाएं उनको सहनी पड़ती थी, तो अर्धरात्रि के समय उन्हें कोयल का मधुर स्वर सुनाई दिया और उसी कोयल के मधुर स्वर पर चिंतन करते करते उनकी कवि प्रतिभा फूट निकली और कैदी और कोकिला नाम की ये कविता अस्तित्व में आ गई। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए आप बोलिए, आप याद रखिए और इस कविता को समझने की कोशिश करिए। तो कोकिल, जब कोयल बोलती है अपनी मीठी वाणी में, उस समय किस तरह की अनुभूतियां होती हैं कवि को, कवि क्या क्या मन में सोचते हैं और किस तरह के प्रश्न करते हैं कोकिल से, वो सारा का सारा विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो कि जब अर्धरात्रि के समय हे कोकिल तुम अपने मीठे स्वर को इस वातावरण में गुंजायमान कर रही हो, तो जरा खोल कर बताओ, स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कौन सा, किस प्रकार का गीत गा रही हो। और फिर कवि अगले ही क्षण प्रश्न करते हैं, क्यों रह रह जाती हो, क्यों रह रह जाती हो का मतलब क्या है कि थोड़ा सा गीत गाती हो और उसके बाद चुप हो जाती हो। रह रह जाने का मतलब है चुप होना, क्योंकि कोयल की आवाज यदि आपने सुनी हो दोस्तों तो आप ध्यान देंगे कि वो एक बार कुहू करती है, उसके बाद थोड़ा सा रुकती है, फिर उसके बाद दोबारा बोलती है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर कवि उससे प्रश्न करते हैं कोयल से कि कोकिल बोलो तो क्या गाती हो कि किस तरह का गीत तुम गा रही हो, और फिर गाते गाते अचानक कुछ देर के लिए मौन क्यों हो जाती हो, चुप्पी क्यों साध लेती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल अपने मंतव्य को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताओ कि अर्ध रात्रि के समय में इस तरह से अपनी मधुर वाणी में गीत गाने का आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न इस पर बनता है, कवि के जीवन परिचय पर तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ ये बनता है कि सबसे पहला प्रश्न कवि ने कोकिल से क्या पूछा। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या गाती हो, दूसरा प्रश्न है क्यों रह रह जाती हो। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्यों रह रह जाती हो पंक्ति का क्या अर्थ है, यानी रह रह का अर्थ है यहाँ पर रुक रुक कर गाना, यानी चुप हो जाना। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, यानी कवि को अचानक ऐसा लगता है कि अर्धरात्रि के समय यदि कोयल मीठी वाणी में बोल रही है, गीत गा रही है, तो निश्चित ही उसका कोई ना कोई उद्देश्य है और हो सकता है कि वो अपने साथ कोई संदेश लेकर आई हो। तो आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, संदेशा किसका है कि क्या कोयल
तुम जो अर्धरात्रि के समय बोल रही हो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो? दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है कि कवि ने कोयल से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब कवि कोकिल के मधुर स्वर को सुनकर उसमें अपनी संवेदनाओं को महसूस करता है, अपने प्रति सहानुभूति अनुभव करता है, और इसलिए वो कहता है कि कोकिल, मैं यहाँ इस ऊंची ऊंची काली जो कारागार की दीवारें हैं उनके घेरे में कैद हूँ, यानी मेरा बाहरी दुनिया से कोई भी वास्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। बाहरी दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं कवि? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में आजादी के लिए संघर्ष चल रहा है, लेकिन कवि क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है उनका व्यक्तित्व, तो वे चाहते हैं कि उस राष्ट्रीय आंदोलन में वो सक्रियता से भूमिका निभाए, लेकिन क्योंकि वे कैद में है इसलिए वे अपने उस इच्छा को, अपने उस देश के प्रति दायित्व को पूरा नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि हे कोयल, मेरी स्थिति देखो, मेरी विवशता देखो, कि मैं ऊंची काली दीवारों के, इन कारागार की दीवारों के घेरे में कैद हूं, और ये कारागार कौन सा स्थान है? ये कारागार डाकुओं, चोरों और बटमार का मतलब होता है लुटेरों, लुटेरों का अड्डा है, लुटेरों के लिए उपयुक्त स्थान है, और मैं न तो डाकू हूं, न चोर हूं, न बटमार हूं, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, इसलिए मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है, जबकि ये स्थान एक देशभक्त के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और अपनी पीड़ा बता रहे हैं कोकिल को, क्योंकि जब कैद में कोई व्यक्ति होता है दोस्तों, तो उसे जरा सी भी अगर सहानुभूति मिलती है तो वो अपनी पीड़ा को का भागीदार बनाने लगता है सामने वाले व्यक्ति को, और वही कवि के साथ हो रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ जेल में बहुत ही यातनापूर्ण जीवन है, हे कोकिल, हमें पेट भर कर खाना भी नहीं देते, और हम जेल की यातनाओं के वशीभूत होकर, उनसे परेशान होकर यदि मृत्यु का आलिंगन भी करना चाहें तो वे हमें मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ऐसी स्थिति में हमारा इस कैद में जीवन केवल तड़प, यातनाएं सहकर अपने भीतर की आत्मा की तड़प, यातनाओं के शारीरिक पीड़ा की तड़प तो है ही, दूसरी वो तड़प भी है कि देशभक्ति के आंदोलन में, वे जो आजादी के आंदोलन में जो भूमिका निभाना चाहते थे वो भूमिका वो निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे कैद में हैं। तो आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार की तड़प की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारा जीवन यहाँ कैसा है? तो कवि कोकिल से कहते हैं कि यहाँ दिन रात हमें कड़े पहरे में रखा जाता है, कड़ी निगरानी में रखा जाता है, हमारी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, समझ में नहीं आता कि ये अंग्रेजों का शासन है या चारों ओर घना काला अंधकार छा गया है, यानी परिवेश में, जीवन में, हृदय में इतनी निराशा व्याप्त हो गई है कि कवि को वो शासन अंधकार के, गहरे अंधकार के समान प्रतीत होता है। तो देखिए, यहाँ कवि अनिर्णय की स्थिति में है, संदेह की स्थिति में है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो इस पंक्ति में संदेह अलंकार भी है और प्रश्न अलंकार भी है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से, ये कोयल से नहीं पूछा जा रहा बल्कि कोयल को बताया जा रहा है, अपने आप से पूछा जा रहा है कि मैं अनिर्णय की स्थिति में हूँ कि ये वास्तव में ये कैसा शासन है, ये शासन है या अंधकार का, घना काला अंधकार हमारे चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया है। अंधकार के गहरे होने से क्या व्यंजित हो रहा है? इससे व्यंजित हो रहा है कि कवि को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काले मामई जगी क्यों आली। अब आगे कवि कहते हैं कि अंधेरी काली जब रात होती है, उसमें जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश के साथ निकलता है, तो वो रात्रि के अंधकार को थोड़ा कम कर देता है, और रात्रि भी उस समय उस चंद्रमा के प्रकाश के कारण बहुत मोहक और प्रिय लगने लगती है, लेकिन अब इस समय हिमकर यानी चंद्रमा भी हमें निराश कर गया है, यानी वो भी
इस घने काले अंधकार को, क्योंकि ये कालापन रात्रि का कालापन नहीं है जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं। रात तो है ही, लेकिन रात्रि के कालेपन के अलावा जिस कालेपन की बात कर रहे हैं कवि, वो है निराशा का कालापन, अपनी पीड़ा का कालापन। तो उसको चंद्रमा दूर नहीं कर सकता क्योंकि वो कवि के हृदय में है। तो वो कह रहे हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि हिमकर भी निराश कर हो गया क्योंकि हमको निराश करके चला गया है, क्योंकि रात्रि के समय चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा बाहरी परिवेश में, इसलिए बाहर भी अंधकार है और कवि के हृदय में भी अंधकार है। और ऐसे काले अंधकारमय समय में, जबकि शासन का काला प्रभाव है, अंधकार रात्रि का काला अंधकार है, ऐसे समय में हे कालिमा मई कोयल, तू भी काली है, फिर तू हे आली यानी सखी, तू क्यों जगी हुई है, तेरे जगने का उद्देश्य क्या है। कवि तीस अगला प्रश्न ये पूछते हैं कि इस समय कालिमा मई जगी क्यों काली, हे सखी, हे मित्र, तू क्यों इस काली रात में जगी है, तेरा भी तो रंग काला है, क्यों हूक पड़ी। और जगी है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तू हूक क्यों पड़ी, हूकने का अर्थ है पीड़ा से भरी आवाज में बोलना, पीड़ा से भरी आवाज में बोलना। क्योंकि वैसे तो कोयल का स्वर दोस्तों बहुत मीठा होता है, लेकिन कवि स्वयं कष्ट में है तो उन्हें कोयल के स्वर की मधुरता में भी एक पीड़ा, एक कसक का एहसास होता है। और वो कहते हैं कि ऐसे काले रात्रि के अंधकारमय वातावरण में, जबकि शासन का पहरा कड़ा है, शासन के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, काला अंधकार छाया हुआ है निराशा का, ऐसे में हे काली कोयल रूपी सखी, तू भला इतनी पीड़ा भरी आवाज में क्यों बोल रही है, वेदना बोझ वाली सी, और तेरी ये जो आवाज है, हूकने की जो आवाज है, वो ऐसा लगता है कि पीड़ा के बोझ से दबी हुई आवाज है, यानी तेरी आवाज के एक एक उतार चढ़ाव में वेदना का अनुभव हो रहा है। कोकिल बोलो तो, आगे प्रश्न करते हैं कि हे कोकिल सारी स्थिति को स्पष्ट करके बोलो, क्या लुटा, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू इसलिए पीड़ित है क्योंकि तेरा कुछ लुट गया है, यानी तुझे लूट लिया गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्योंकि तू प्रकृति के इस सुंदर ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण की एक तरह से रखवाली करती है, क्योंकि जब तू बोलती है वसंत ऋतु के बीच में सुंदर वातावरण में, प्रकृति के सुंदर आंगन में, तो ऐसा लगता है मानो तू प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अभिभूत और आनंदित तो है ही, साथ ही उस ऐश्वर्य की रखवाली भी कर रही है। लेकिन इस रात्रि के समय में तू अगर वेदना के स्वर में बोल रही है, तो कवि उससे प्रश्न करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि तेरे इस सुंदर वैभव से, सौंदर्य से, प्रकृति के आंचल से कुछ बहुत कीमती चीज लुट गई है। तो एक तो साधारण अर्थ हो गया लुटने का, क्या लुटा, एक आजादी अनमोल रत्न लुट गया है, इसकी ओर सांकेतिक अभिव्यक्ति है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, ये आप समझ ही जाएंगे, मृदुल का मतलब होता है कोमल, वैभव यानी सौंदर्य ऐश्वर्य की रखवाली करती हुई प्रतीत होती है उन्हें, उन्होंने रखवाली यानी रक्षा करने वाले के समान कोयल को माना है। कोकिल बोलो तो, बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का। अब आगे वे कहते हैं कि बंदी यहाँ कैद में सो रहे हैं और उनकी सांसों की आवाज आ रही है, और उनकी सांसों की आवाज भी कैसी है, जब वो दिन में अपनी यातना, अपने दुख, अपने हृदय की पीड़ा के कारण रोते हैं, और उनके मुख से जो निश्वास निकलती है वेदना से भरकर, उन्हीं निश्वासों के समान उनकी सोते समय सांसों की आवाज है, यानी उनके रोम रोम में, उनके हृदय के रोम रोम में इतनी पीड़ा व्याप्त हो गई है कि सोते समय उनकी श्वास भी उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, और ये जो घर घर की श्वासों की आवाज है, कभी इसके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं कि ये उनकी सांसों का निश्वास के रूप में वेदना से भरी हुई आवाज है, या फिर ये जो जेल के, कारागार के जो लोहे के बड़े बड़े भारी भारी दरवाजे हैं, उनकी आवाज आ रही है, बूटों का या संतरी की आवाजों का, या फिर ये स्वर जो जेल में जो अफसर नियुक्त है उनके जूतों का स्वर है, या फिर जो संतरी, जो पहरे पर लगे हुए नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी आवाज है ये। तो कवि तरह तरह के संदेह व्यक्त करते हैं और निर्णय की स्थिति में नहीं है, तो यहां भी संदेह अलंकार।
या गिनने वाले करते हाहाकार, और या फिर ये है कभी दूसरा एक और विकल्प उनके मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति पहरे पर है वे कैदियों की संख्या गिन रहे हो, या फिर जो व्यक्ति कैद में है वे अपने कैद के दिनों को गिनकर उनका हृदय वेदना से भरकर चित्कार कर रहा हो, हाहाकार कर रहा हो, तो ये उसकी ध्वनि हो, कहीं ऐसा तो नहीं। सारी रातें हैं 1, 2, 3, 4 और वो एक एक कर गिनते हैं, और चाहे दिन का समय हो चाहे रात का, उन्हें सब कुछ रात्रि के समान ही लगता है क्योंकि उनके परिवेश में रात्रि का अंधकार ही छाया हुआ है, क्योंकि निराशा उनके हृदय में व्याप्त है। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। अब आगे वो प्रश्न करते हैं कोकिल से कि मैं इतनी ज्यादा पीड़ा भुगत रहा हूँ आत्मिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर, कि मेरे दोनों प्याली, उभय यानी दोनों, मेरी दोनों प्याले, प्याले क्या है, नेत्र यानी मेरी दोनों आंखें जब वेदना के आंसुओं से भर गई हैं, उस समय तू अपने बेसुरा मधुर क्यों गीत में बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। उस समय हे कोयल सखी, तू इस ये बेसुरा राग क्यों सुनाने आई है, क्योंकि तेरा स्वर तो वैसे मीठा है लेकिन उस मधुरता में मुझे बेसुरा स्वर भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि जैसा हमारा हृदय होता है वैसी ही स्थिति हमें परिवेश में दिखाई देती है। तो कवि के हृदय में निराशा का भाव है, इसलिए उसे कोयल का स्वर भी, मीठा स्वर भी बेसुरा प्रतीत हो रहा है। एक तरफ बेसुरा कह रहे हैं, दूसरी तरफ मधुर, तो कौन सा अलंकार हो गया, दो विरोधी स्थितियों का चित्रण, तो विरोधाभास अलंकार। क्या हुई बावली, आगे लेखक कहते हैं कि क्या तू पागल हो गई है कि इस रात्रि के अंधकार में जब इतना कड़ा पहरा है और बहुत ज्यादा आतंकपूर्ण वातावरण का चल रहा है, शासन बहुत कड़ा है, ऐसे में तू अपनी इस मधुर आवाज में गीत गा रही है, तो क्या तू पागल हो गई है। अर्ध रात्रि को चीखी कि अर्ध रात्रि आधी रात के समय तू इतना जोर जोर से उच्च स्वर में अपनी आवाज गुंजायमान कर रही है। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल, अपने इस कूकने का, आधी रात के समय बोलने का उद्देश्य बताओ, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। अब देखिए यहाँ पर चीखी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, तो कवि का संकेत है कि हम कब चीख पड़ते हैं, जब हम कोई भयानक दृश्य देखते हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो ये चीख रही है इतनी उच्च स्वर में अर्धरात्रि के समय, जरूर इसने कोई ना कोई भयानक दृश्य देख लिया है। तो वो कोयल से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो तो कारागार में है, वो केवल अनुमान लगा सकते हैं, बाहर की दुनिया को देख नहीं सकते, तो वे अनुमान लगाते हैं, क्या तुझे कहीं बहुत भयंकर अग्नि वन में, दावानल कौन सी अग्नि होती है, जो जंगल में लगती है, तो दावानल कहीं बहुत अधिक उसकी ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही है, इसलिए तू चीख रही है, इतने उच्च स्वर में पुकार रही है। अब देखिए दावानल ही क्यों कहा, क्योंकि कोकिल पक्षी है और पक्षी वृक्ष पर रहते हैं, तो कोकिल को सबसे ज्यादा परेशानी कब होगी, जब अग्नि वृक्षों में लगेगी तभी वो चीखेगी, इसलिए कवि ने यहाँ दावानल का इस्तेमाल किया है। और भी जो अग्नियों के रूप होते हैं, बाड़वानल होती है जल में लगने वाली, पेट में लगने वाली अग्नि होती है जठराग्नि, उनका किसी का नाम नहीं लिया, दावानल का नाम इसीलिए लिया है। ज्वालाएं हैं देखी तेरे को, इसकी ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही है क्या। आगे चलते हैं, कोकिल बोलो तो निज मधुराई को कारागृह पर छाने, के अपने इस मधुर स्वर से इस सारे कारागृह पर छा जाने का प्रयत्न आखिर तुम क्यों कर रही हो। कारागृह पर यानी काल कोठरी जो कैद है, उस कैद पर छाने का मतलब क्या है, यानी अपने स्वर से इस संपूर्ण कारागार को गुंजायमान क्यों कर रही हो। जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हमारे हृदय की जो कष्ट के घाव है, पीड़ा के जो घाव है, वो तुम्हें दिखाई दे गए हैं और तुम उन पर अपनी मधुर तरल आवाज रूपी अमृत को बरसाकर उन घावों पर मलहम लगाना चाहती हो, उन घावों की पीड़ा को कम करना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कवि प्रश्न कर रहे हैं। या वायु विटप वल्लरी चीर हट ठाने, दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या फिर ऐसा है कि वायु, हवा, विटप वृक्ष, वल्लरी लता, क्योंकि वृक्षों पर रहती है कोयल, इसलिए इन सारे शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। या वायु विटप वल्लरी चीर, और या फिर तू जंगल की वायु को
वृक्षों को और लताओं को के बीच से अपनी आवाज को चीर, इन सब चीजों को चीर कर अपनी आवाज को गुंजाने की हठ तूने ठान ली है, जिद तूने ठान ली है, कहीं ऐसा तो नहीं है। व वर्ण की देखिए एक दो और तीन बार आवृत्ति हुई है, एक ही क्रम में आवृत्ति, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, और तू वायु की तरंगों को चीर कर, वृक्षों घने वृक्षों को चीर कर, लताओं को चीर कर तू अपनी आवाज को गुंजायमान कर रही है, कहीं तूने ये हठ तो नहीं ठान लिया है कि तू इस कैद की, इस कारागार की दीवारों को चीर कर अपने इस पूरे कारागार के आंतरिक परिवेश को गुंजायमान करने का अजमाइश कर रही है कि तेरे स्वर में कितनी दम, कितना दम है, कितनी सामर्थ्य है, तू किस सीमा तक यहाँ इस परिवेश को गुंजायमान कर सकती है, या लेने आई इन आंखों का पानी। और कभी दूसरे ही क्षण प्रश्न करते हैं कोयल से, या फिर ऐसा है कि वेदना और यातना सहते सहते हमारी आंखों में वेदना के कारण जो अश्रु आ गए हैं, क्या तू उन आंखों का पानी लेने आई है? अर्थात आंखों का पानी लेने आने का मतलब क्या है? हमारी पीड़ा कम करने आई है। नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी, और इतना घना अंधकार है उसमें तू बोल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने आकाश में जो दीप है, आकाश में कौन से दीप है? तारे, तो उन दीपों को भी तूने अपने इस स्वर से बुझाने की ठान ली है, कहीं ये तो तेरे मन में विचार तो नहीं चल रहा। आगे कहते हैं कवि, खा अंधकार करते हुए जग रखवाली, और तुझे ये अगर तू इन तारों को जो आकाश में चमक रहे हैं, इन दीपों को अंधकार में विलीन करना चाहती है, तो तुझे ये याद रख लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि ये अंधकार को निगल कर और स्वयं इस पूरे संसार की रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, तो इसलिए इन्हें तू चमकने दे, इनके प्रकाश को तू कम मत कर। कहने का अभिप्राय ये है कि इस वातावरण में जहां पहले ही निराशा और अंधकार व्याप्त है, वहां और अधिक निराशा भरी बातें मत कर कि इन तारों का प्रकाश भी मध्यम पड़ जाए, हल्का पड़ जाए, धुंधला पड़ जाए, क्योंकि हिमकर यानी चंद्रमा तो पहले ही जा चुका है। क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली, अगला प्रश्न कर रहे हैं कवि कि क्या तुझे इन तारों की सुंदरता आकर्षित नहीं करती कि तू इनके जलते हुए रूप को, इनके प्रज्वलित रूप को, इनके प्रकाश को भी आच्छादित कर देना चाहती है। तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगाने वाली, कि तुम तो रवि किरणों से सूर्योदय की जो किरणें हैं उनके साथ क्रीड़ा करती हुई इस पूरे संसार को अपनी मधुर आवाज से गुंजायमान करती हुई इस पूरे संसार को जगाने का काम करती हो। रवि किरणों से खेलने का मतलब क्या है? सूर्योदय के साथ ही तुम जाग जाती हो, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, उस पर फैलती हैं, वैसे वैसे तुम अपना मधुर स्वर बोलने लगती हो। ऐसा लगता है उस स्वर को सुनकर मानो तुम इस संसार के सोए हुए प्राणियों को जगाने का काम कर रही हो। तो जगाना, एक तो नींद से जगाना, दूसरा सोई हुई चेतना को जगाना, ताकि उन्हें उनके कर्तव्यों को याद दिलाया जा सके, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। आगे कहते हैं, कोकिल बोलो तो क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो? किस आधी रात के समय तुम बोल रही हो? सूर्योदय के समय बोलती हो वो तो समझ में आता है, लेकिन इस आधी रात के समय तुम क्या इस संसार को क्यों जगाना चाहती हो? व्यंजित क्या है कि इस संसार की यानी इस परिवेश की जो आत्मा सो गई है, जहां पर आतंक का शासन है, और उस आतंक के शासन से भयभीत होकर हम कायरों की तरह बैठे हैं, तो उस चेतना को जगाने का काम कर रही है कोकिल, ऐसा कवि को लगता है। तो जगाने आई हो यानी सोई हुई जो चेतना है उसे जगाने आई हो मतवाली, और तुम अपनी धुन में मस्ती से डूबी हुई हो। कोकिल बोलो तो डूबों के आंसू धोती रवि किरणों पर, मोती बिखराती विंध्या के झरनों पर, ऊंचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, ब्रह्मांड कपाटी कपाती उस उद्दंड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। बहुत सुंदर पंक्तियां। कवि कहते हैं कि डूबों के आंसू धोती रवि किरणों पर, कि जब रात्रि के समय रात्रि हो जाती है, तब जो घास होती है उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें गिर पड़ती हैं, और जैसे ही सूर्योदय होता है यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, तो वे उन आंसुओं को, वे उन ओस की बूंदों को इस प्रकार निगल लेती है जैसे मानो वे ओस की बूंदें नहीं बल्कि डूब के आंसू हों।
यानी घास के आंसू हो जिन्हें रवि किरणों ने पूरी सहानुभूति और संवेदना के साथ निगल लिया हो, चुन लिया हो, यानी उस डूब की जो वेदना है उसे समाप्त कर दिया हो। मोती बिखराती विंध्या के झरनों पर, और दूसरी बार कवि कहते हैं कि विंध्याचल से जो झरने निकलते हैं विंध्याचल पर्वत से, और वे झरने जब तेजी से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं तो बहुत सारी मोती की जैसी छोटी छोटी सुंदर चमकीली बूंदें आसपास की जो वनस्पतियां हैं, घास है, वृक्ष है, पौधे हैं, उन सबके पत्तों पर, उन सबके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, और तू कहीं उनको समाप्त करने तो नहीं आई। ऊंचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, और दूसरी बात कि ये जो वृक्ष वन में, ये जो जंगल है, इस विंध्याचल पर्वत के निकट का जो परिवेश का जो वन है उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, और कवि उन वृक्षों के लिए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो इन वृक्षों ने, ये सारे वृक्ष इतने ऊंचे हैं, मानो इन्होंने ऊंचे उठने का व्रत धारण कर रखा है, संकल्प कर रखा है कि वे और ऊंचे होते जाएंगे। तो इन पर ब्रह्मांड कपाती उस उद्दंड पवन पर, और इस विंध्याचल के वन के बीच से जो तेजी से आवाज करती हुई जो पवन बहती है उस पर, उसकी लय पर तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा। कवि कहते हैं कि तू जो सुबह सुबह सुंदर मधुर गीत गाया करती है हे कोकिल, वो पूरे के पूरे मधुर गीत प्रकृति में कहाँ कहाँ अंकित है। धूप के आंसू धोती रवि सूर्य की किरणों पर अंकित है, विंध्या के झरनों पर अंकित है, व्रतधारी जो वन के जो वृक्ष हैं उन पर अंकित हैं, ब्रह्मांड कपाती उद्दंड पवन पर अंकित हैं, यहाँ तेरे स्वरों का एक एक लेखा जोखा है। और कवि कहते हैं कि वो जो तेरे मधुर गीतों का लेखा जोखा है उसमें मैंने बहुत सुंदर प्रकाश को देखा है, यानी वो जो तेरे मधुर गीत है वो प्रकाश से युक्त है, यानी आनंद उल्लास और सकारात्मकता के प्रकाश से युक्त है। तब सर्वनाश करती क्यों हो, इसलिए कवि कहते हैं कि तेरे तो सुंदर जो गीत हैं वो प्रकृति के कण कण में लिखे हुए हैं, यानी प्रकृति का कण कण तेरे सुंदर मधुर गीतों का साक्षी है, फिर आज अर्ध रात्रि के समय इस आवाज को बोलकर सर्वनाश का संकेत क्यों दे रही हो। तुम जाने या बेजाने, कि तुम भले ही जानबूझकर ये गीत गा रही हो अर्धरात्रि में या अनजाने में गा रही हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर तुम्हारे इस तरह सर्वनाश का गीत रात अर्धरात्रि के समय गाने का उद्देश्य क्या है। कोकिल बोलो तो क्यों तम पत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने। अब कवि अगला प्रश्न करते हैं कि तुम ये बताओ कि इस तम, तम का मतलब हुआ अंधकार, पत्र यानी कागज मान लीजिए, पत्ता मान लीजिए, दोनों ही सही है, कि अंधकार रूपी जो पत्र है, क्योंकि लिखने के लिए कागज ही चाहिए तो पहले पत्तों पर भी लिखा जाता था, तो उस दोनों अर्थों को हम साथ लेकर चलेंगे। तो कवि कहते हैं कि तू आखिर इस अंधकार रूपी कागज पर, इस अंधकार रूपी पत्र पर क्यों अपने सुंदर चमकीले गीत यानी आनंद उल्लास के प्रकाश से युक्त जो गीत है उनको लिखने के लिए विवश क्यों हो गई हो, अर्थात परिवेश में ऐसा क्या घटित हो गया है कोयल कि तुम अंधकार के समय अर्धरात्रि में बोल रही हो और अपने मीठे स्वर को इस अंधकार रूपी कागज पर, अंधकार रूपी पत्र पर लिखने के लिए प्रेरित हुई हो। कोई ना कोई उद्देश्य तो तुम्हारा अवश्य है। कोकिल तुम मुझे कृपया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने उद्देश्य को बताओ। तो देखिए तम पत्र में रूपक अलंकार है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कह रहे हैं कि कवि ने अब तक कोयल के बोलने के उद्देश्य के बारे में उससे सवाल किए, अब कवि को लगता है कि कोयल तो फिर भी बोल रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसी स्थिति में उसे थोड़ा मैं अपनी स्थिति के बारे में बताऊं। उन्हें लगता है, क्यों वे अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोयल उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिला रही है कि तुम्हारा देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, लेकिन वो उनकी कैद होने की जो विवशता है उसको नहीं समझ पा रही, इसलिए वो अपने कैदी जीवन के विषय में बताते हैं कोकिल को और कहते हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना कि तू इतना अर्धरात्रि के समय ये उद्बोधन का गीत गा रही है, मुझे मेरे कर्तव्य की, देश के प्रति कर्तव्य की याद दिला रही है, क्या तुझे मेरे शरीर पर ये जंजीर के जो आभूषण है ये दिखाई नहीं दे रहे कि मैं कितना कैदी हूं और मुझे किस तरह जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है।
हथकड़ियां क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। और कवि को लगता है कि कोयल कह रही है कि यह हथकड़ियां तुमने पहनी है, तो वो कहते हैं कि यह हथकड़ियां नहीं है बल्कि ये ब्रिटिश शासन के द्वारा मुझे दिया गया गहना है, क्योंकि हथकड़ियां यानी देश के निमित्त देश के लिए संघर्ष करते समय किसी भी देशभक्त का कैद में जाना, हथकड़ियों में ले जाया जाना उसके लिए गर्व की बात होती है, लज्जा की बात नहीं। हथकड़ियां हथकड़ियां कब होती हैं? जब हम गलत काम के कारण कैद में जाते हैं और हमारी नजरें शर्म से झुकी होती हैं। लेकिन वो हथकड़ियां ही गहना कब बन जाती हैं? जब हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर संघर्ष करते हुए उन हथकड़ियों को पहनते हैं, तो हथकड़ियां देशभक्त व्यक्ति के लिए क्या बन जाती है? आभूषण बन जाती है, उसके व्यक्तित्व की शोभा बन जाती है। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, कि मैं यहाँ इस कैद में रह गया हूं और मेरा जीवन अब क्योंकि बाहरी परिवेश से बिल्कुल कटा हुआ है, तो यहाँ पर जो कोल्हू चलता है उस कोल्हू के चलने से जो चर्रक चू की आवाज आती है वही मेरे जीवन का संगीत है, उसी में अपने जीवन का संगीत मैं सुनता हूँ। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गाने, और पत्थर तोड़कर जब मैं गिट्टी बनाता हूँ, जो कैदी हम गिट्टी बनाते हैं, तो मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं शारीरिक श्रम नहीं कर रहा, पत्थर नहीं तोड़ रहा, गिट्टियां नहीं बना रहा, बल्कि उन गिट्टियों पर अपनी उंगलियों से आजादी का गीत लिख रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है। हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, आगे कभी अपनी स्थिति बताते हैं कि मैं पेट पर मोट यानी एक बहुत बड़ा कुछ वजन बांधकर और मोट खींची जाती थी, जिससे कि पहले चमड़े के बहुत बड़े बड़े थैले होते थे दोस्तों, जिनमें पानी खींचा जाता था, तो उसे खींचकर कैदी अपने पेट पर बांध लेते थे रस्सी और उस मोट को कुएं में से खींचते थे, जैसे जो कार्य बैल करते हैं कोल्हू में या पुराने समय में जो रहट चला करती थी उसमें, वो कार्य कैदियों से जेल में करवाया जाता था। तो वे अपने मोटे मोटे रस्सों को बांध कर पेट पर और चलते थे, जिससे कि कुएं में से पानी का चमड़े का जो थैला है वो बाहर निकल कर आए और सभी लोगों के लिए जल की व्यवस्था हो सके। तो हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अपने पेट पर जुआ बांधकर मैं मोट को खींचता हूँ, यानी मैं शारीरिक श्रम करता हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ और उसके बदले में मुझे यहाँ इस तरह से यातनाएं दी जा रही हैं, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कवि। आगे वे कहते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और जब मैं ये पेट पर जुआ बांधकर मोट खींचता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता मन में कि मैं पानी खींच रहा हूँ ताकि ब्रिटिश सरकार की प्यास बुझे, उसके लिए जल की व्यवस्था हो सके, बल्कि मैं क्या सोचता हूँ कि ब्रिटिश राज की जो अकड़ है, ब्रिटिश शासन की, अंग्रेजों की जो अकड़ है, उसका कुआं मैं खाली कर रहा हूँ। और ऐसा सोचते ही मेरा उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं और अधिक दुगने वेग से, दुगनी ताकत से उस पेट पर बांध कर जुए को खींचने का कार्य करने लगता हूँ। देखिए किस तरह से सोच रहे हैं, कोल्हू की चर्रक चू में जीवन का संगीत सुन रहे हैं कवि, गिट्टी पर ऐसा लग रहा है आजादी के गीत लिख रहे हैं वे, और जब चरस चलाते हैं यानी मोट खींचते हैं पेट पर जुआ बांधकर, तो वे मन में ये सोचते हैं कि ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अपने आप को किस तरह से जेल के यातनामय जीवन के बीच, एक निराश और अंधकारमय जीवन के बीच, सकारात्मकता से, आशावाद से भर कर वे कार्य कर रहे हैं, इस बात की ओर यहाँ संकेत किया गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब आगे फिर कोयल के स्वर को सुनकर कवि ऐसा सोचते हैं कि तुम दिन में तुम्हें बोलना चाहिए था कोकिल, लेकिन तुम रात के समय बोल रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में हमारी यातनाएं जो जेल में हमें दी जा रही हैं, उन यातनाओं को देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है और वो करुणा रुला देने वाली होती है, यानी बहुत अधिक कष्टदायक होती है, तो उस तुम्हारे करुणा से भरे हुए वेदनापूर्ण स्वर को सुनकर हमारे आंसू न निकल आए, हमारी पीड़ा न बढ़ जाए, कहीं इसलिए तो तुम दिन में न बोल करके रात्रि में बोल रही हो, ताकि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो उठें। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों? अब आगे कवि प्रश्न करते हैं कि चारों ओर जबकि रात्रि का अंधकार है, आधी रात है, सभी सो रहे हैं, सारा परिवेश शांत है, ऐसे समय तुम
तुम्हारा जो मधुर स्वर है हे कोकिल, वो अंधकार को चीरता हुआ चारों तरफ वातावरण में गूंज रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा ये जो स्वर है वो तुम्हारी पीड़ा से भरा हुआ है। तो इस स्वर में, इस पीड़ा से युक्त स्वर में तुम अंधकार को चीरती हुई भला क्यों रो रही हो? कवि प्रश्न पूछते हैं, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? और इस प्रकार रात्रि के समय तुम अपनी मीठी वाणी में विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? यानी कवि को लगता है कि कोयल उसे क्रांतिकारी संदेश दे रही है, उसे अपने कर्तव्य की याद दिला रही है, ताकि वे जेल में रहकर भी शांत न बैठें, बल्कि ये चिंतन करें कि जेल से मुक्त होते ही वो किस प्रकार अपने देश को आजाद करने के लिए कदम उठाएंगे। तो विद्रोह के बीज, मधुर और विद्रोह परस्पर विरोधी स्वर, विरोधी स्थितियां हैं, तो विरोधाभास अलंकार। कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली। अब चारों ओर जो काली माँ का वातावरण है उसका चित्रण कर रहे हैं कवि, और ये काली जो शब्द है वो काले रंग का भी संकेतक है, और निराशा, पीड़ा, वेदना और गुलामी के अंधकार का भी संकेतक है। तो दोनों अर्थों में हम इसे ग्रहण करेंगे। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू काली है, और ये रजनी यानी रात, और ये रात भी काले रंग की है। तू भी काली है, ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजों का जो शासन है, उनकी जो नीतियां है, वो भी काली है, यानी दुर्भाव से युक्त है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमारे देश के वासियों का कल्याण करना नहीं है, बल्कि उनका शोषण करना है। इसलिए उनकी जो करतूत है वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और यहाँ चारों ओर वातावरण में निराशा की जो लहरें व्याप्त है वो भी काले रंग की है, क्योंकि निराशा का रंग साहित्य में दोस्तों काला माना गया है। तो काली लहरें, चारों ओर निराशा का वातावरण है, और जब भी कभी हम सोचते हैं, क्योंकि हम कैद में हैं, तो हमारे मन में कल्पनाएं सुंदर रूप में नहीं आती, आशा से भरी हुई नहीं आती, बल्कि काले रूप में ही आती है। तो हमारी जो कल्पनाएं हैं वे भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और क्योंकि मेरी ये जो काल कोठरी जिसमें मैं कैद हूं वो भी काले रंग की है, अर्थात वो भी घने काले अंधकार से युक्त है, उसमें अंधेरा भी है और उसमें निराशा भी है। टोपी काली कमली काली, और मेरे मैं जो टोपी पहनता हूँ वो टोपी भी काले रंग की है। मेरा जो कंबल, कमली कंबल, मेरा जो कंबल है वो भी, जो ओढ़ने को मिला है वो भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो हथकड़ियां हैं मेरी, जो लोहे की जंजीरें हैं, वे भी काले रंग की हैं। पहरे की हूं कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। और ऐसे कालिमामयी वातावरण में, ये जो काला शब्द का बार बार कवि ने प्रयोग किया है, ये ब्रिटिश सारे जो जितने भी शब्द हैं वो ब्रिटिश शासन के अत्याचार पूर्ण परिवेश के संकेतक है। जिन्होंने संपूर्ण जनमानस को, समस्त भारतीय नागरिकों को निराशा के अंधकार में जीने के लिए विवश कर दिया है, उस पूरे वातावरण का संकेत दे रहे हैं ये काले शब्द। पहरे की हुंकृति की व्याली, अब आगे कवि कहते हैं कि जब पहरेदार हुंकार भरता है, जागते रहो का नारा लगाता है, या कैदियों की संख्या को गिनने आता है, चेक सुरक्षा का ध्यान रखता है, तब उसकी जो आवाज है वो मुझे नागिन व्याली, यानी नागिन यानी सांपिन, उसकी हुंकार की तरह सुनाई देती है, फुफकार की तरह प्रतीत होती है। तिस पर है गाली, और उस पर जब भी हम जरा सी भी कोई गतिविधि करते हैं तो वो हम पर, वो पहरेदार गालियों की बौछार करता है, तो उससे हमारे अंदर और अधिक पीड़ा और कष्ट उत्पन्न होता है। तो हे आली, इस कालीमावय वातावरण में, जबकि चारों ओर इतना निराशा का घना अंधकार है, ऐसे में भला तू अपनी मीठी आवाज में विद्रोह के गीत क्यों बो रही है, विद्रोह के बीज क्यों बो रही है? क्यों? क्योंकि हम कैद में होने के कारण तेरे उस विद्रोह के संदेश को पूरा नहीं कर सकते, उस विद्रोह के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इस काले संकट सागर पर, संकट का जो सागर आ गया है, सागर यानी संकट इतना ज्यादा है कि उसे पार नहीं किया जा सकता, तो इतना भयंकर जो संकट छाया है, मरने को मदमाती तू ऐसे संकट पूर्ण वातावरण में रात्रि के समय जो बोल रही है, तो ऐसा लगता है मानो तू खुद मस्ती में भरकर, देश के प्रति भावना से प्रेरित होकर, तू मस्ती में भर करके मरने को तत्पर है। कोकिल, अपना ये पूरा जो अर्ध रात्रि के समय गीत गाने का तुम्हारा जो उद्देश्य है उसे पूरा समझाओ।
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो दहराती। और इस काले वातावरण में तुम अपने चमकीले, चमकीले शब्द किसका प्रतीक है? चमकीले शब्द प्रतीक है आनंद, आशा और सकारात्मक, कि अपने आनंद से भरे हुए, आशा का संदेश देने वाले और सकारात्मकता से भरे हुए जो गीत हैं, उनको इस काले मामई वातावरण में तुम क्यों गुंजायमान कर रही हो, दहराती यानी गुंजायमान क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल स्पष्ट रूप से बताओ, तेरे मांगे हुए न बैना, कि तेरे जो ये वाणी है, बैना यानी वाणी, वचन, आवाज, तेरी ये जो वाणी है वो किसी से मांगी हुई नहीं है, ये तेरी अपनी है, अपनी मधुर वाणी है। रितु नहीं बंदिनी मैना, और दूसरी बात क्या है, एक तो तेरी ये जो आवाज है वो तेरी अपनी है, तुझ पर कोई कहने का अभिप्राय है कि तुझ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात, तू पिंजरे में बंद मैना नहीं है, तू वृक्षों पर बैठने वाली स्वतंत्र कोयल है, यानी तू कैद में भी नहीं है। कवि का संकेत है कि हम कैद में हैं लेकिन तू स्वतंत्र है। न तू स्वर्ण पिंजड़े की पाली, और ना मैनाओं को, जैसे अमीर जो लोग होते हैं वो सोने के पिंजरों में पाला करते थे पुराने समय में, और उसे बहुत सुख सुविधा पूर्ण उसका पालन पोषण होता था। तो कवि कहते हैं कि तू सोने के पिंजरे में पला हुआ पक्षी भी नहीं है, तू इस वन के प्राकृतिक वातावरण में सारी अच्छी और बुरी स्थितियों को झेलकर स्वच्छंद जीवन जीने वाला पक्षी है। तुझे न दाख खिलाए आली, और किसी ने भी तुझे, हे आली, पालन पोषण ऐसा तेरा राजसी ठाट बाट के साथ नहीं हुआ कि तुझे कोई अंगूर खिलाए, जैसे कि पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद मैना को खिलाए जाते हैं। तो हे सखी, तुझे किसी ने अंगूर नहीं खिलाए, यानी तू राजसी ठाट बाट से पलकर बड़ी नहीं हुई। तोता नहीं, नहीं तू तूती, कि तू ना तो तोता है जिसको पालें, जिसको पढ़ाएं, लिखाएं, न तो तूती, तूती शब्द है तोती के लिए, छोटा तोता मान लीजिए, ना तू तूती है या ना छोटा तोता है, तू स्वतंत्र, तू क्या है, तू बिल्कुल स्वतंत्र है, तुझ पर कोई बंधन नहीं है, बल्कि गति कूकती। इसलिए जब तू स्वतंत्र भाव से इस अर्धरात्रि के समय बोल रही है, तो हे कोकिल, मुझे ऐसा लगता है मानो तू अपनी इस कूक से, अपनी इस आवाज से बलिदान का आह्वान कर रही है, बलिदान के लिए हमें पुकार रही है। तब तू रण का ही प्रसाद है, और यदि तू ऐसा कर रही है कि हमको हमारे कर्तव्य की, बलिदान के लिए पुकार रही है, हमारा उद्बोधन कर रही है, तो तू निश्चित रूप से हमारे संघर्ष का ही फल है, हमारे युद्ध, रण का मतलब वैसे तो युद्ध होता है लेकिन यहाँ उस तरह का युद्ध नहीं हुआ था बल्कि संघर्ष था, तो यहाँ हम संघर्ष के अर्थ में इसे लेंगे। तो कवि कहते हैं तब तू रण का ही प्रसाद है, तो निश्चित रूप से हमारा जो संघर्ष था देश के लिए, उसका ही हमें तू कृपा के रूप में प्रसाद मिला है, यानी कृपा, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तेरा स्वर बस शंखनाद है, और इसलिए इस अंधकारपूर्ण रात्रि में, इस निराशा से भरे आतंकपूर्ण वातावरण में तेरी जो ध्वनि है वो मुझे शंखनाद की तरह से सुनाई दे रही है। शंखनाद का अर्थ क्या है? संघर्ष का प्रारंभ, संघर्ष के प्रारंभ की सूचना। शंख तो शंख होता ही है, नाद का मतलब ध्वनि, तो शंखनाद इस अर्थ में रूढ़ इसलिए हो गया है दोस्तों क्योंकि पुराने समय में जब भी युद्ध होते थे तब शंख बजाकर युद्ध के प्रारंभ की घोषणा की जाती थी, और हर योद्धा के पास अपना अपना अलग अलग शंख होता था। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन का शंख अलग था, कृष्ण का अलग था, भीष्म पितामह का अलग था, और सबने युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने शंखनाद किए, यानी अपने अपने शंख बजाए थे। तो उसी बात को ग्रहण करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं तेरा स्वर बस शंखनाद है, कि तेरा स्वर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संघर्ष के प्रारंभ की, युद्ध के प्रारंभ की सूचना दे रहा हो, यानी मुझ में संघर्ष की प्रेरणा उत्पन्न कर रहा है, संघर्ष की तत्परता को जगा रहा है। दीवारों के उस पार या कि इस पार दे रही गूंजे, कि कभी कहते हैं कि तू अपने इस स्वर से बाहर के परिवेश को भी गुंजा रही है या इस पार भी कह रही है, संदेश दे रही है, यानी बाहर के वातावरण में जागृति का मंत्र फूंक रही है, तब तो ठीक है क्योंकि वे लोग उन्मुक्त हैं, आजाद हैं और संघर्ष के लिए तत्पर हो सकते हैं, या तो यहाँ हम कैदियों को अपने संघर्ष की, अपने कर्तव्य की याद दिला रही है, तो तुझे ये ध्यान होना चाहिए कि हम कैद में हैं। तो इस तरह का प्रश्न कवि करते हैं, हृदय टटोलो तो, हृदय टटोलो तो, यानी तेरी अपनी ध्वनि तुम्हारी कितनी उचित है और किसके लिए है ये उद्बोधन, इस बात को हृदय में सोच कर हे कोकिल मुझे बताओ।
त्याग शुक्लता तुझ काली को आर्य भारती पूजे, कि तू काली है रंग में लेकिन तेरा जो पवित्र, तेरा जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, त्याग से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तू देशभक्ति का महामंत्र फूक रही है वातावरण में, तो त्याग का रंग कैसा माना गया है, सफेद। शुक्ल का अर्थ भी होता है सफेद, यानी उज्ज्वलता। तो तेरा रंग भले ही काला है लेकिन तेरा जो चरित्र है, तेरा जो व्यक्तित्व है वो त्याग जैसे पवित्र गुणों की उज्ज्वलता से युक्त है, और इसलिए आर्य भारती, आर्यों की ये जो भारत भूमि है वो तेरी आराधना करती है, तेरी पूजा करती है, तेरे इस भाव का, तेरे इस व्यक्तित्व का सम्मान करती है। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली। अब कवि फिर से कोकिल की और अपनी स्थिति की तुलना कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि तुझे तो देख बैठने के लिए कोकिल हरी भरी वृक्ष की डाली मिली है, लेकिन मुझे क्या मिला है, मुझे नसीब कोठरी काली और मुझे ये निराशा से भरी हुई काल कोठरी मिली है। तेरा नभभर में संचार, तू पूरे आकाश में उन्मुक्त स्वच्छंदता से घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार और मेरी सारी की सारी गतिविधियां इस 10 फुट की काल कोठरी में ही सीमित होकर रह गई हैं, क्योंकि मैं कैद में हूँ। मेरा तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, और तू जब बोलती है तो सब आनंदित होकर वाह वाह कह उठते हैं, यानी तेरे गीत प्रशंसा का प्राप्त करते हैं। रोना भी है मुझे गना, और दूसरी ओर मेरे गीतों की तो बात ही छोड़, मैं अगर यातना से अपनी हृदय की व्याकुलता से पीड़ा से भरकर यदि आंसू भी बहाऊं तो वो मेरे लिए अपराध बन जाता है, क्योंकि मुझे और अधिक यातना देते हैं ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ कैद में जेल में नियुक्त हैं। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहते हैं कि इसलिए तू मैं अपनी स्थिति को देख और मेरी स्थिति को देख, दोनों की स्थितियों में किस प्रकार की भिन्नता है। बजा रही तिस पर रणबेरी, और अब मेरी इस स्थिति को कि मैं काल कोठरी में हूं उसके बाद भी युद्ध का शंखनाद कर रही है तू, तो ये कैसी विचित्र स्थिति है, ये कैसी विचित्र मनोवृत्ति है कोयल तेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि तेरी इस हुंकार पर मैं ऐसा क्या काम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं कैद में हूं, तो मैं ऐसा और क्या कर दूं, मुझे उसका मार्गदर्शन भी करो। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। ये मोहन परीक्षा में कई बार आ चुका है ये प्रश्न, मोहन के व्रत पर, यानी मोहन शब्द किससे संबंधित है, तो मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है। मोहन ने, यानी महात्मा गांधी ने जो संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस संकल्प पर मैं अपने प्राणों की, क्योंकि मैं तो बाहर निकल नहीं सकता कैद से, तो अपने प्राणों की जो शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो अपनी ऊर्जा है, उसके आसव को, यानी उसके पेय पदार्थ का संचार, भला तरल पदार्थ का संचार भला किसके व्यक्तित्व में कर दूं जो बाहर हो, ताकि स्वतंत्रता संग्राम को गति मिले। कोकिल मुझे बताओ, फिर कुहू अरे क्या बंद न होगा गाना। और उसके बाद जैसे ही कवि ये बात कहते हैं फिर से कोयल के कूकने की आवाज आती है, तो कवि कहते हैं अरे फिर से तुम कोयल बोल रही हो, क्या तुम आज अपना गीत बंद नहीं करोगी। इस अंधकार में मधुराई दफराना, और इस अंधकार भरे वातावरण में तुम अपनी मधुर वाणी में बोलकर एक तरह से अपनी मधुरता को दफना रही हो, नष्ट कर रही हो, व्यर्थ गंवा रही हो। नव सीख चुका है कमजोरों को खाना, और परिवेश में इतना आतंक व्याप्त है कि ये आकाश भी अब किस तरह से कमजोरों को निगला जाए, कमजोरों का शोषण किया जाए, कमजोर व्यक्तियों को शक्तिहीन किया जाए, ये आकाश भी सीख चुका है। आकाश सीखने का मतलब है कि सारा जो शासन तंत्र है वो शोषण के सारे दाव पे सीख चुका है। क्यों बना रही अपने को उसका दाना, और ऐसे अर्धरात्रि के समय में इसने आतंकपूर्ण वातावरण में तू अपनी आवाज में इस परिवेश को गुंजायमान करके क्यों स्वयं को उस काले शासन तंत्र का शिकार बना देना चाहती है। फिर भी करुणा गाहक बनती सोते हैं, और देख तू गा रही है आवाज, इतना आतंक है लेकिन फिर भी इतनी करुण स्थितियों से भरे हुए बंदी जेल में सो रहे हैं, स्वप्नों में स्मृतियों की श्वासें धोते हैं, और उनके मन में इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है कि वो सपने में भी अपनी सांसों से जो निराशा व्याप्त है उनके हृदय में उसको समाप्त करने का, उसको धोने का काम करते हैं। इस लोह सीखचों की कठोर पाशों में क्या भर देगी बोलो निद्रित लाशों में। आगे कवि कहते हैं कि जो लोहे के सीखचों में हम जकड़े हुए हैं, पाश यानी जकड़न, इसमें जो हम कैद हैं, क्या तू इसमें क्या ऐसा भरेगी जिससे कि हम आजाद होकर देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके।
बोलो निद्रित लाशों में, हाँ ये जो लाशें हैं जो सोए हुए कैदी हैं, जो जीवित तो हैं लेकिन लाश के समान हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते कैद में होने के कारण, तो इन निद्रा में डूबी हुई जो चेतना, जागृत होते हुए भी अचेतन अवस्था में जो लोग हैं उनमें तू ऐसा क्या संचार करेगी ताकि वे ऊर्जावान होकर, सकारात्मक होकर देश की प्रति आजादी के संग, देश के लिए किए जा रहे आजादी के संघर्ष में भागीदार बन सके, अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। क्या घुल जाएगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा, कोकिल बोलो तो, कवि कहते हैं कि क्या इन निश्वासों के द्वारा तुम्हारा जो रोता हुआ दुख से भरा हुआ स्वर है वो घुल जाएगा, और सवेरे हो जाएगा उलट पुलट जग सारा, और तुम्हारी इस क्रांतिकारी वातावरण से, उद्बोधन भरी गीत से क्या सवेरा होते होते संसार की सारी स्थितियां उलट पुलट हो जाएंगी, यानी आतंक का शासन समाप्त हो जाएगा, हमारा देश आजाद हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? कोकिल मुझे सच सच बताओ। ये तो हुई दोस्तों हमारी एक कविता। अब अगली कविता है, बाकी दो कविताएं बहुत छोटी हैं, अगली कविता है बलिपंथी से। बलिपंथी कौन है? जो मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्य को पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसे पता है कि उसे बलिदान देना है ताकि उसकी मातृभूमि आजाद हो सके, तो उस राह पर जाने वाला, बलिदान के मार्ग पर जाने वाला पंथी यानी राहगीर, उससे कवि कह रहे हैं। मत व्यर्थ पुकारे शूल शूल, कह फूल फूल सह फूल फूल, कवि कहते हैं कि हे बलिदान के पथ पर, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने के मार्ग पर चल रहे शहीद वीर पुरुष, तू क्या कर, तू इन रास्ते के जो संकट हैं, शूल शूल किसका प्रतीक है? रास्ते के संकटों का, बाधाओं का, कि तेरे बलिदान के मार्ग में जो भी संकट आए, जो भी बाधाएं आए, उन्हें तू शूल शूल यानी कांटे कांटे कहकर, उनसे भयभीत होकर, कायरतापूर्ण स्थिति में आकर अपने कदम पीछे मत हटा, बल्कि क्या कर, कवि कहते हैं कह फूल फूल सह फूल फूल, और उन कांटों को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन संकटों को देखकर ऐसा महसूस कर कि ये कांटे नहीं है बल्कि ये फूल हैं, और उन्हें फूलों की तरह कोमल मानकर चुपचाप सहकर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ता चल। हरि को ही तल में बंद किए के हरि से कह न फूल फूल, और आगे कवि कहते हैं कि तू अपने भीतर हरि यानी ईश्वर, यानी ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को तू अपने ही तल यानी हृदय, हृदय में बंद कर, यानी हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था रख, और वातावरण में बलिदान के पथ पर निरंतर बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़। केहरी से कह, केहरी यानी शेर होता है सिंह, यहां सिंह किसको कहा गया है? वीर के पराक्रम को, शौर्य और पराक्रम। तो कह रहे हैं कि तू केहरी से कह, सिंह से कह, कौन सा सिंह? जो तेरे अंदर शौर्य और पराक्रम का शेर बैठा है, सिंह बैठा है, उसे तू आवाज दे, उसे तू जागृत कर, और नाखूनों से इन सारी, अपने जैसे शेर अपने शिकारी को अपने तीखे नाखूनों से घायल कर मौत के घाट उतार देता है, उसी तरह से मार्ग में आने वाली इन सारी बाधाओं को तू अपने भीतर के शेर को, शौर्य और पराक्रम के शेर को जागृत कर और नाखूनों से क्या कर दे, उसे क्षत विक्षत कर दे, उन सारी बाधाओं को नष्ट कर और बलिदान के पथ पर आगे बढ़ता चल। कागों का सुन कर्तव्य राग, और जब कौए बोले तो उन्हें निराशा का सूचक स्वर मत मान, बल्कि उनको ऐसा मान कि ये कौए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तुझे कर्तव्य का गीत सुना रहे हैं, तुझे कर्तव्य पालन के लिए, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोकिल काकली को भूल भूल, और तू संसार में जो कोयल की, कोकिल काकली यानी कोयल का मधुर स्वर, कोयल का मधुर स्वर यहाँ किसका प्रतीक है? कोयल का मधुर स्वर प्रतीक है सुख और आनंद का। तो कवि कह रहे हैं कि कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अगर तू जीवन के सुख और आनंद के विषय में सोचेगा तो क्या होगा, तेरे कदम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगेंगे, क्योंकि कर्तव्य की बजाय तेरे चित्त पर कौन प्रभाव जमाने लगेगा?
सांसारिक सुख और आनंद। इसलिए कवि कहते हैं, कोकिल काकली को भूल, सांसारिक सुख और आनंद को भूल जा, सुरपुर ठुकरा और देशभक्ति के लिए या बलिदान के पथ पर, मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए उस मार्ग पर यदि तेरे सामने देवलोक की सुविधाएं भी आ जाएं, तो उनको भी तू ठुकरा दे, देवनगरी के वैभव और ऐश्वर्य को भी ठुकरा दे, आराध्य कहे और अपने हृदय में अपने आराध्य अपने इष्ट देव को याद कर, अपनी आस्था को अपने विश्वास को बनाए रख, तो चल रौरव के कूल कूल। और रौरव यानी एक एक प्रकार का नर्क होता है दोस्तों रौरव, लेकिन यहां पर इसका प्रतीकार्थ हुआ मृत्यु का मार्ग, बलिदान का मार्ग। क्योंकि वो नर्क कष्टदायक होता है और बलिदान के पथ पर भी अनेक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए कवि ने यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो वो कहते हैं, तो चल रौरव के कूल कूल, और तू इस बलिदान के मार्ग पर, पथ पर, कूल कूल, कूल का मतलब किनारा, किनारे किनारे पर लगातार निरंतर बिना रोके आगे बढ़ता चल, भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नयनोदक ले मोदक प्रहार। और आगे कवि कहते हैं कि तू सांसारिक किसी भी सुख सुविधा की उम्मीद मत कर, तू अपने इस पूरी विशाल जो पृथ्वी है इसको अपना बिछौना मान ले, आकाश को अपना ओढ़ना मान ले, और उन्मुक्त भाव से मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता जा, नयनोदक ले मोदक प्रहार। और आगे जो भी प्रहार, जो भी चोट, जो भी आघात तुझे मिले, उनको तू नयनों के उदक यानी प्रेम पूर्वक, नयनोदक, हम कई बार हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं दोस्तों तो हमारे नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे आंसू आनंद के आंसू होते हैं, पीड़ा के नहीं। तो नयन उदक, उदक का मतलब जल, नयन का मतलब नेत्र, नेत्रों के जल के साथ यानी आनंद के साथ, प्रतीकार्थ क्या हुआ आनंद के साथ, आनंद के भाव से भरकर जो भी सांसारिक बाधाएं मार्ग में आए उन्हें आनंद से स्वीकार कर, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को इतना जगा कि तुझे लगे कि तू सारे ब्रह्मांड को अपनी हथेली पर लेकर उछाल सकता है, यानी तू कोई भी असंभव कार्य कर सकता है, तू बिल्कुल कमजोर नहीं है, तू बिल्कुल कायर नहीं है, मातृभूमि के पथ पर जिस उद्देश्य से तू आगे बढ़ रहा है उस उद्देश्य को तू निश्चित रूप से पूरा करेगा। तो इस तरह से कवि उसे देशभक्त को यानी बलिपंथी को उद्बोधन दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन धन को निहार, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए तेरा जीवन अनमोल धन है, बहुमूल्य धन है, क्यों, क्योंकि इस जीवन की आहुति तू अपनी मातृभूमि के लिए चढ़ाने जा रहा है, इसलिए ये जीवन बहुत बहुमूल्य धन, अनमोल धन के समान है, इसे तू प्रेम से निहारता हुआ बलिदान के पथ पर आगे बढ़ता चल। सारे पूरी कविता में पुनरुक्ति अलंकार दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रमुख रूप से यही अलंकार है, बाकी शेष कुछ नहीं है। भाषा में भावाभिव्यंजकता बहुत है क्योंकि साधारण शब्दों के प्रतीकार्थ यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, सांकेतिक अर्थ कविता का है हर शब्द का, जैसे कि कोकिल काकली, सुरपुर, आराध्य, रौरव के कूल कूल, ये सब सांकेतिक अर्थ से युक्त शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। अब अगली कविता है दोस्तों, अगली और आखिरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, पुष्प की अभिलाषा, बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये भी देशभक्तिपूर्ण भावनाओं से युक्त कविता है, और यहाँ कवि ने अन्य दोनों कविताएं जो हमने अभी तक पढ़ी उनमें तो उद्बोधन है, जागृति है, शासन के जो सरकारी तंत्र था उस समय, अंग्रेजों का जो शासन था उसके द्वारा दी जा रही यातनाएं हैं, लेकिन पुष्प की अभिलाषा में देशभक्तों के प्रति सम्मान अर्पित किया गया है पुष्प के माध्यम से। तो पुष्प की इच्छा यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है, यानी ये विचार कवि ने इस कविता में पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। कवि कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि फूल कह रहा है कि मैं किसी सुरबाला यानी देवलोक की किसी अप्सरा के बालों में गूंथा जाऊं, उसका उसके शरीर पर आभूषण के रूप में सजूं, ऐसा मेरा कोई स्वप्न नहीं है, ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी ये भी इच्छा नहीं है, पुष्प कहता है कि मैं प्रेम के प्रतीक जो माला बनाई जा रही है प्रेमी प्रेमिका के द्वारा एक दूसरे के लिए, उस प्रेम की प्रतीक माला में गूंथकर मैं उस अपने सौंदर्य से
प्रियतमा को ललचाऊं, आकर्षित करूं, उसके मन में प्रेम की भावनाएं जागृत करूं, ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है। तो दो कौन सी चाह नहीं है, कौन सी चाह नहीं है पुष्प की, प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो पहली बात, तो देवलोक की किसी भी अप्सरा का आभूषण नहीं बनना चाहता, उसके बालों में गुथना नहीं चाहता, उसका गहना नहीं बनना चाहता। दूसरा, प्रेमी बाला में प्रेमी प्रेमिकाओं की एक दूसरे को समर्पित करने के लिए जो मालाएं गूंथी जा रही हैं, उन मालाओं में गुथकर प्रियतमा को प्रेम का संदेश नहीं देना चाहता, उसे आकर्षित नहीं करना चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और पुष्प कह रहा है कि हे हरि, हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े पराक्रमी शौर्यवान जो सम्राट हुए, जब वे वीरगति को प्राप्त हो जाएं, तो मैं उनके शव पर पुष्पमाला के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में डाला जाऊं, ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है। फिर आखिर ये तीन चाह नहीं है, फिर आखिर चाह क्या है? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, और ना ही ऐसा है मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि देवताओं पर भक्तगण अपनी भाव भक्ति भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भक्ति भाव के प्रतीक के रूप में देवताओं के शीश पर, मस्तक पर मुझे चढ़ाएं और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं, अहंकार करूं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। यानी चार इच्छाएं व्यक्त की हैं पुष्प ने जो उसकी नहीं है। इन चारों इच्छाओं को आप ध्यान में रखेंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। और क्या कहता है पुष्पंत में कि हे वनमाली, वनमाली के दो अर्थ हैं, एक तो पुष्प है तो वनमाली यानी बाग का रखवाला माली, दूसरा यदि ये संसार वन है तो इसका माली कौन? ईश्वर। क्योंकि वही तय करने वाला है कि किस व्यक्ति को किस भूमिका दे, कौन सी भूमिका देनी है। तो वो दोनों अर्थों में हम इसको ग्रहण करेंगे। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली, मुझे तोड़ लेना, मेरी मृत्यु हो जाए तो होने देना, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो, मैं मुरझा जाऊं, तो मुझे उस मार्ग पर तुम फेंकना जिस मार्ग पर, मातृभूमि पर अपने मस्तक को, अपने शीश को बलिदान देने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बहुत सारे वीर जा रहे हो, वहां देना, उस पथ पर मुझे फेंकना, मेरे लिए यही मेरी यही अंतिम इच्छा है। तो ये पुष्प की अभिलाषा है। तो ये हुई दोस्तों हमारी तीन माखनलाल चतुर्वेदी की जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविताएं हैं, वो तीनों हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी और आप इनसे संबंधित प्रश्नों के भी जवाब दे सकेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी नोट्स की इकाइयां हमने आपके लिए तैयार की हैं दोस्तों, तो आप उनके लिए व्हाट्सएप साहित्य समाधान का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर केवल मैसेज करें, फोन नहीं करें। क्योंकि दोस्तों साहित्य समाधान का कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, ना वहां पर बहुत सारे काम करने वाले हैं। ये केवल और केवल मेरे और विद्यार्थियों के आपसी सहयोग से आपके हित के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो आप उन विद्यार्थियों की, वे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके साथ साथ वे आपकी मदद भी कर रहे हैं, तो आप उनकी स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। तो आप कॉल नहीं करें, क्योंकि कॉल आपका कभी रिसीव नहीं किया जाएगा, केवल मैसेज करें। और मैसेज करने के तुरंत बाद आप ये ना सोचें कि अभी तुरंत जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब एक दो घंटे में मिले, हो सकता है विद्यार्थी किसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ रहा हो, अपनी तैयारी में जुटा हो, जब वो वहां से अब फ्री हो जाएगा तो आपको जवाब मिलेंगे जरूर, लेकिन आप तत्काल जवाब की उम्मीद ना करें। इतना सहयोग मैं आपसे चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस पीड़ा को समझेंगे और हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है साहित्य समाधान की तरफ से। आपका पथ उज्जवल करने का, प्रशस्त करने का, आपके लक्ष्य तक पहुंचने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, तो इसमें सहयोग की उम्मीद करता है साहित्य समाधान। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।